आज का टॉपिक है लोकस ऑफ अ पॉइंट, बिंदु का कर्व डिस्क्राइबिंग बाय एनी पॉइंट अंडर अंडर कंडीशंस, किसी चर बिंदु पथ जो प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, यहाँ पे जो हिंदी है उससे मतलब सॉरी इंग्लिश से ज्यादा हिंदी वर्ड है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। लोकस मतलब बिंदु पथ, बिंदु है उसका पथ, वो जहां जहां जाएगा, समझ गए ना? पॉइंट है वो जहां जहां जाके जो कर्व बनाएगा, उसका जो कर्व जो बनेगा वो क्या होगा, उस पॉइंट का लोकस होगा। अब यहाँ कंडीशन क्या दे रखा है, प्रतिबंध क्या दे रखा है, एक फिक्स कंडीशन होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उस पॉइंट को घूमना है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर्कल की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है? सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है एक फिक्स पॉइंट से, ये एक फिक्स पॉइंट समझ लिया, ठीक है? ये ओरिजिन ले लिया, ये कोई अल्फा कोमा बीटा आपने फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है? और ये आपने ले लिया एच कोमा के इस पे, या ये ले लो सेंटर एच, ये अल्फा बीटा, और ये ले लिया क्या एच कोमा के, ये आपने कोई पॉइंट पी ले लिया। सर्कल की जो डेफिनेशन होती है वो है किसी पॉइंट से, एक सेंटर से सेम ये पॉइंट है, ठीक है? इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से जो इस पॉइंट का कर्व बनेगा वही क्या है सर्कल की इक्वेशन। मतलब समझ लो ये फिक्स पॉइंट है। यहाँ कंडीशन सुनना, बिंदु पथ क्या होता है, लोकस क्या होता है, एक पॉइंट है जो जहां जहां जाता है जो कर्व बनता है वो क्या होता है, लोकस होता है। अब कंडीशन क्या दी हुई है, इस केस में कंडीशन है इस पॉइंट की और इसकी डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन दे दी। तो ये कंडीशन मतलब इधर गया इधर गया, ये बनाना जो बना है, क्या बना है सर्कल। सर्किल की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है? उस पॉइंट का लोकस जिसकी सेंटर से क्या हो समान दूरी हो, दैट इज सर्कल। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब लोकस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लोकस की हमेशा पहले इसको कॉन्स्टेंट मान लो, इसको है ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इसको समझ लिया रेडियस आर है जो फिक्स डिस्टेंस है, तो ओपी यहां से आपको पता है ओपी इक्वल्स टू क्या है आर है, क्लियर सामने दिख रहा है। अब ओपी क्या है, वो है अंडर रूट एच माइनस अल्फा का स्क्वायर और के माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर है, तो यहां से एच माइनस अल्फा का स्क्वायर के माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ गया। अब यहां पे ये एच और के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? क्यों कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है, समझ गया ना? अब यहाँ h और k ये है अपन ने फिक्स पॉइंट माना है, यहाँ जो भी पॉइंट आएगा तो h को रिप्लेस कर दे x, k को रिप्लेस कर दे y, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर और ये r स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन का प्रूफ ये होता है। मतलब यहाँ सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले वही तो पॉइंट पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस समझ गया ना फिक्स आर स्क्वायर है, तो ये इस पॉइंट को मतलब ये इक्वल डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट की इक्वेशन ये आ गई। मेरी बात समझे? ये क्या हुआ है एग्जैक्टली? यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां से इसका प्रूफ है ये। अब आगे इसके और अपन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, अपन को उस पॉइंट का लोकस निकालना है जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो सेम हो। मेरी बात समझा? फाइंड आउट लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। Find out locus of a point
that has same distance from एक्सिस, जिसका ना एक्सिस से क्या हो डिस्टेंस सेम हो उसकी निकालना। सबसे पहले अपन ऐसे करें, अब उस बिंदु पथ निकालो जिसकी अक्षों से दूरी समान हो, जिसके अक्षों से क्या हो दूरी समान हो। अब कैसे निकालेंगे इसको, वही कर्व ड्रॉ करा, यहां ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए एच कोमा के, तो इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस हुई, ये के हुई, और ये डिस्टेंस कितनी हुई एक्स कोऑर्डिनेट, ये एच हुई। ठीक है, यहां से h इक्वल्स टू k है, कंडीशन क्या दे रखी है, इस पॉइंट की एक्सिस से मतलब x एक्सिस से और y एक्सिस से, x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट की k है, y एक्सिस से कितनी है h है, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, वो कर्व होगा। मतलब यहां आने वाले ये पॉइंट है ना, वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जिनकी इन दोनों से डिस्टेंस क्या हो जाए सेम हो जाए। एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा h कोमा k, अब बस h को वेरिएबल बना दो, h को लिख दो x, y को k को लिख दो y। ये किसकी इक्वेशन आई है, लाइन की इक्वेशन आई है, और ध्यान से देखें तो ये वही तो लाइन है। x यदि -1 y भी -1 तो दोनों इक्वल वाली, ये लाइन है। तो समझ गया ना लोकस का मतलब, उस पॉइंट का हमें पूरा पाथ निकालना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यहां क्या कंडीशन थी, दोनों एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या थी सेम थी, इसीलिए लाइन की इक्वेशन बनी। लाइन में देख ले दोनों एक्सिस से सेम डिस्टेंस है इधर, और इसमें क्या कंडीशन थी, सेंटर से सेम डिस्टेंस वाला जो पॉइंट का पाथ है, और सर्कल की डेफिनेशन यही है। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको आगे लेते हैं वापस, लोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मान के चलो क्वेश्चन आता ही आता है इससे। अब देखो दो पॉइंट लिए हैं, एक लिया है a, 0, दूसरा लिया है b, -a, 0, और आपको जो p है उसका निकालना है लोकस, जहां पे कंडीशन दे रखी है pa² - pb² = 2c². ठीक है, कैन आई रेज दिस, अब सीधा बिना कर्व ही, If, यदि a कोई पॉइंट दिया है a, 0 एंड b कोई पॉइंट दिया है -a, 0, फाइंड आउट लोकस ऑफ पॉइंट p इफ pa² - pb² = 2c². यहां इफ का मतलब यदि a है और ये b है, बिंदु P का बिंदु पथ निकालो यदि यहां पे एक कंडीशन है, ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये कर रहा है, समझ गए। अब यहां से क्या, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, यहां तक पी ए है, पी को समझ लो क्या एच कोमा, हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, पी को एच कोमा के, पहले इसको कॉन्स्टेंट समझ लो फिर इसको वेरिएबल समझ लो। तो पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी से ए तक की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए माइनस एच का स्क्वायर या पी ए स्क्वायर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, एच माइनस ए का स्क्वायर लिखो या ए माइनस ए का स्क्वायर लिखो, क्योंकि इससे -1 कॉमन लोगे ना तो फिर वो सेम बन जाएगा। तो मैं एच माइनस ये लिख रहा हूँ ए का स्क्वायर, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वो एक्स बनाना है तो आगे अच्छा लगेगा। और दूसरा क्या ले लिया, दूसरा तो यहाँ के स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका आ गया पी ए स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, ये पी ए स्क्वायर, ये पी बी स्क्वायर, और ये पी ए स्क्वायर आया, अब लिखते हैं पी बी स्क्वायर, ये एच प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस ए दे रखा है, एच ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा, के स्क्वायर होगा,
और इक्वल्स टू क्या हो गया, टू सी स्क्वायर आएगा, सी कोई क्वांटिटी है। यहाँ से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस का टू ए एच मिलेगा। ठीक है, के स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर भी हो जाएगा, और उधर उधर क्या मिलेगा, उधर मिलेगा माइनस का टू ए एच, उधर ही मिलेगा माइनस का टू ए एच, और इक्वल्स टू क्या रहेगा, टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और मिल जाएगी, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ एच स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म यहाँ बचेगी, एक यहाँ बचेगी। तो यहाँ से फिर क्या बना तेरा, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर ए एच इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर, ये दोनों यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि देख ए जो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ कोई वैल्यू है, सी भी यहाँ दिया हुआ है, एच की जगह लिख दो एच, तो फोर ए एच इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर। ये भी क्या है, एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। क्यों है वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स की वैल्यू निकल रही है यहाँ टू सी स्क्वायर अपॉन फोर ए, मतलब ये एक्स की कोई फिक्स वैल्यू है, बस इसको सेटिस्फाई करने वाली है, जहाँ एक्स सेम रहेगा वाई है ही। एग्जैक्टली बात समझ में, तो अपन को कर्व ड्रॉ करे बिना ही अपना काम हो सकता है, कंडीशन सेटिस्फाई करी वी कैन गेट द, एग्जैक्टली और इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं लोकस पे। देख यदि हमने ली इक्वेशन किसकी, पैराबोला की, ठीक है, हमने इक्वेशन किसकी ले ली, यहाँ से टू कैंसिल कर दो और, तो बोले एक टू और कम हो जाएगा, दो लाइन ले ली हमने, एक ली L1 x cos alpha plus y sin alpha equals to a, क्या x cos alpha plus y sin alpha एक लाइन ले ली, दूसरी ले ली x sin alpha minus y cos alpha equals to b, और alpha जहाँ क्या क्या है, वेरिएबल है, तो फाइंड आउट लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। दो लाइन दे रखी है, एक एल लाइन दे रखी है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा, यहां एल वन ये लाइन है इक्वल्स टू ए, और एल टू लाइन है एक्स साइन एल्फा माइनस वाई कॉस एल्फा इक्वल्स टू बी है, और यहाँ एल्फा क्या है, एल्फा है एनी टू लाइन्स, ये दो लाइन है, दो रेखाएं, और यहाँ एल्फा क्या है, एनी वेरिएबल, कोई क्या है, चर है। देन फाइंड आउट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु बिंदु का बिंदु का बिंदु पथ, ये बी है। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ये लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि वाई कुछ टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में ही है भाई, ये साइन अल्फा से डिवाइड करते बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, दो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अल्फा यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या मतलब हो गया, अल्फा जैसे ये एक लाइन हो गई L1, ये दूसरी लाइन हो गई, जैसे जैसे अल्फा चेंज करोगे आपको लाइन अलग बन जाएगी, ये दो लाइन बन जाएगी, ये दो लाइन बन जाएगी, तो इन सारे जो पॉइंट ये कहाँ भी बनेगी, चल यहाँ बन गई, तो समझ गया ना, ये इन 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 समझ गया ना, इन इंटरसेक्शन पॉइंट, बिंदु पथ होता है, लोकस हमेशा पॉइंट का निकलता है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोक समझ गया ना, जो होगा वो क्या होगा, कर्व बनेगा, वो क्या बनेगा, उस पॉइंट का लोकस बनेगा। तो देखो हमें क्या करना है, उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, तो पहला तो हम सीधा क्या करते हैं, एक्स एक्स देखो हमें पता है जो लोकस होगा वो दोनों लाइन पे आएगा, ठीक है, लोकस है वो, हमने सबसे पहले क्या लेते हैं एच कोमा के, तो ये क्या होगा, इट विल सेटिस्फाई, इट विल सेटिस्फाई बोथ लाइंस, क्योंकि ये दोनों लाइन पे आएगा,
ठीक है, दोनों लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो पहले करवा दो एच कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, वाई को लिख दिया के, के साइन अल्फा इक्वल्स टू ए, दूसरा रहा एच साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब यहां पे ये क्या आ गया, ये कोई दो फिक्स लाइन हो गई है। अब यहां अल्फा वेरिएबल है, मतलब ये लाइन चेंज होती रहेगी। मेरी बात समझा या नहीं समझा? ये जो दो लाइन है, ये अल्फा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दो लाइन आ गई। अब अल्फा चेंज होगा तो नई लाइन मिलती रहेगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन चाहिए ना, तो आपको बस इस अल्फा को गायब कर दो, ठीक है, पहले अल्फा को गायब कर दो इनमें, कैसे एक दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके, फिर एच की जगह एक्स लिख दो और के की जगह क्या लिख दो, वाई लिख दो। तो अब अल्फा को गायब कैसे करें? अब वैसे तो यूं भी कर सकते हैं, एच की वैल्यू पहले इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको कॉस से कर दो, इसको साइन से कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, वरना ये भी कर सकते हैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। इस इक्वेशन का स्क्वायर करा तो एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर एच स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो गया, एच स्क्वायर हो गया। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा, मैंने क्या करा, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर करा, तो एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर एच स्क्वायर साइन स्क्वायर, एच स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, और उधर के स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये भी क्या हो गया, वन हो गया, प्लस टू एच के कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ माइनस वो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। यहाँ एच की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर, ये लिख दो वाई स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? इजी। चलो अब नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका ले लो फोटो। अब पैराबोला पे है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ओ कोई सेंटर है, ठीक है, और क्यू क्या है, कोई वेरिएबल है, जो कहाँ पे एक पैराबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर वाई पे है, मतलब वो है। अब मुझे बताओ ओ क्यू का, क्यू वेरिएबल है और ओ क्यू के जो मिड पॉइंट है उसका आपको निकालना है बिंदु पद। कैन आई इरेज दिस, इरेज कर लो, देखो क्वेश्चन है, इफ ओ इज सेंटर एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, क्यू इस पॉइंट पे, इस कर्व पे आने वाला पॉइंट है, देन फाइंड आउट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू का जो मिड पॉइंट है उसका हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है। तो देखो ध्यान से, हमने समझ लिया क्यू है, ओ ले लिया 0.0, ठीक है, अपनी मर्जी से क्यू ले लिया कोई पॉइंट, ए कोमा बी ले लिया, ठीक है, हमें इसका मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। ये कोई पॉइंट पी है, हमें P का लोकस निकालना है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, H कोमा K मान लिया अपनी मर्जी से, अपन को H की जगह X, K की जगह Y को रिप्लेस करना है, हमें इसका लोकस चाहिए। तो मुझे बताओ H क्या है, A बाई टू है, K क्या है, B बाई टू है, ये कैसे आया, मिड पॉइंट, ये ऐड करके 2 से डिवाइड, ये 0 प्लस, पता है ना, ये हमने पढ़ लिया है सेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल एम और एन की दोनों की वैल्यू सेम है इंटरनल उसके लिए, डिवीजन के लिए। अब देखो जो क्यू है, क्यू पॉइंट, अच्छा इसको हिंदी में ओ क्या है, मूल बिंदु है, और क्यू क्या है, इस वक्र पे आने वाला कोई बिंदु है, तो हमें ओ क्यू के मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में हो गया। क्यू क्या बताओ, क्यू क्या है, क्यू सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर फोर वाई, क्योंकि क्यू देखो एनी पॉइंट इस कर्व पे आने वाला है, मतलब क्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्यू को सेटिस्फाई करवा दो, तो यहाँ एक्स की जगह क्या लिख दिया, ए स्क्वायर, ये फोर और ये बी हो गया, ए की वैल्यू क्या है, टू एच है, तो ये क्या हो गया, फोर एच स्क्वायर हो गया,
बी की वैल्यू क्या है बताओ, 2k है, तो ये हो गया। तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2k हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2y हो गया। इसको मैं और डायग्राम से समझा देता हूँ। यदि मूल बिंदु है, बिंदु है तथा Q किसी वक्र x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y पर आने वाला बिंदु है, तो O Q के मध्य बिंदु पर निकालो। ये बात exactly। अब ये क्या है, आप आगे पढ़ोगे जो पैराबोला है या फिर आपको आता होगा, पैराबोला की जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है ना, अब यहाँ x की पावर इवन है तो y के लिए सिमेट्रिक है, ये पूरा हम कर्व ट्रेसिंग वगैरह डिस्कस करेंगे। ये आपको कर्व बना है ऐसा, ये इस पैराबोला का, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यहाँ जो O पॉइंट है वो ओरिजिन फिक्स है 0,0, और दूसरा पॉइंट समझ लिया ये Q है यहाँ पे, जो मतलब A कोमा B, ये चेंज हो रहा है Q, ये हो सकता है किसी केस में ये हो, किसी केस में Q ये हो तो मिड पॉइंट ये हो जाएगा, किसी केस में Q ये हो तो मिड पॉइंट ये हो जाएगा, Q ये हो तो ये जो छोटे वाले पॉइंट है ना, इनसे भी एक और पैराबोला ही बनेगा, मेरी बात समझे, और उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। एग्जैक्टली ये देख, दोनों इक्वेशन सेम ही तो है, ये भी पैराबोला ही होता है। एग्जैक्टली बाकी का